मनोज गई इधर हेलो बाबा दीप सिंह का जन्म दिहाड़े जन्म दिहाड़े उत्ते की कहना चाहोगे बाबा इहदा जन्म दिहाड़ा जी अगे 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 आ जाओ यार अगे आ जाओ यार नाम छोड़ कर रहे हैं जो पैर छिल के रास्ता है मेरा किदा पता नहीं किने वोट दिहाड़ता है बाज ने बाबा जी समूह वासियां दे उत्ते अपना मेहर भरा हथ रखन चढ़दी कला च रखन नाम सिमरत सिदक दी दात नाल सदा निहाल करन चलो भगवंत मान जी ने सुल्तान दे केस च जो दोषी करार दिता है जी की लगदा की सजा बनदी है जी देखो जी बहुत बड़ा गुनाह इस स्थान से पहले कांग्रेस पार्टी दी इंदिरा गांधी ने कहर इत्थे वरताया सीगा जब श्री अकाल तख्त साहब महाराज दे उत्ते हमले होए सीगे ते पंजाब दे इतिहास दे बाद जे दूजी बारी पुलिस बूटां दे नाल गोलियां दे नाल गुरद्वारा साहब च जे हमले होए अखंड पाठ साहब खंडित होए ते ओ भी गुरु नानक पातशाह जी दे अवतार दिहाड़े नूं समर्पित सुल्तानपुर लोधी गुरु साहब दी चरण छोह धरती अमृत वेले नितनेम करदी हुई संगतां दे उत्ते जे पंजाब दा मुखमंत्री एक सिख होके इहो जिहा कहर इहो जे काम उहदे अगवाई दे थले अपने सूबे च अपने करन गुरु साहब दे दिहाड़े दे दिनां च ते इस तों वड्डा गुनाह की हो सकदा है इस तों वड्डी दुख दी गल कि जद इहो जिहा हादसा वापरिया आस तां आस सी कि बहुत सख्त सुनेहा सरकार वल्लों जाऊगा कि जिन्हां ने यह काम किया उन्हां दे खिलाफ सख्ती दे नाल कोई कार्रवाई की जाऊगी ताकि किसी दे कोल कोई इहो जिही हरकत करन दी कदे हिम्मत ना हो सी बाहर वालियां नूं की रोकीए जद अपने पंजाब च ही अपना मुख्यमंत्री आ कुछ करा रहे लेकिन हैरानी दी गल कि इन्ने दिनां दे बाद एक भी कार्रवाई ना होने दे बावजूद जब श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब ने आप इहदी तहकीकात करा के ते सारी जांच पेश कीती उहदे बाद भी इह सरकार ने कुछ नहीं किया इस तों होर वध गैर धार्मिक गैर सिक्खी चेहरा की हो सकता है एक कांग्रेस ते आम आदमी सही तरीके दे नाल इहनां दा गठजोड़ बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही एंटी धर्म एंटी सिख ते एंटी पंजाब ने जी भाई बंदी सिंघां नूं लै के की कहना चाहोगे क्योंकि काफी ज्यादा मुद्दा भुख्या भी आया ते तुसीं भी आवाज चुकी सीगी पर अमित शाह होणा वल्लों काफी समां नहीं दित्ता जा रहा समां नहीं दित्ता गया केंद्र सरकार वल्लों मैं सख शब्दां च निखदी कर दियां निंदा कर दियां कि आज सिखां दी सिरमौर संस्था जब देश आजाद नहीं होया सी सिखां ने आप दे गुरुद्वारियां नूं आजाद कराया जब हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट नहीं बनी सी सिखां ने अपनी मिनी पार्लियामेंट बना लिती सी ते अज जे SGPC समा मंगदी अपने बंदी सिखां दे बारे गल करन वास्ते ते केंद्र दी सरकार नूं इन्ना समा तक नहीं कि 4, 5, 6, 7 बारी समा मंगन तों बावजूद मिंट नहीं दे सकदे ते इह आपां नूं वैसे गल्लां करदे ने कि सिखां दे हितैषी ने पर जे सिख दे सरमौर संस्था दे आगूआं दे नाल गल करन दा इहनां कोल समा नहीं है बार बार बंदी सिखां दी जिहड़ा ने इन्हां ने नोटिफिकेशन जारी की सी असीं नहीं की सी इन्हां ने जारी किया सी तां मंग रखदे सी इन्हां ने मंजूर की वह भी गुरपुरब के पावन दिहाड़े च 2019 च ते की जब नोटिफिकेशन जारी की ते केंद्र दी सरकार ने जांच नहीं की सी कि उन्हां दे गृह मंत्रालय ने इन्हां बारे पता नहीं किया सी जिन्हां नूं रिहा करन दा ते भाई राजूआना दी उम्र कैद च बदलन दा इन्हां ने जिहड़ा ऐलान किया सी ते सिखां दे विच खुशी सी ते हुण अपने ही वादियां तों पिछे जद हट गए जे बार बार गल असीं चकदे आं तां फिर कोरा जवाब सानूं देता उह भी नवें कानून च जिथे कहिंदे हरेक नूं इंसाफ मिलेगा ते इंसाफ बंदी सिखां नूं ते सिखां नूं क्यों नहीं मिलेगा अज बिलकिस बानो दे तुसीं बंदे छड्डते अज बाबिआं नूं तुसीं
गवांड के सूबियां चो बार बार पेरोल की बार ज़्यादा तो अंदर घट रहिंदे ने। राजीव गांधी के कातल बाहर निकल गए तो सिखा वास्ते मापदंड अड क्यों? ये कानून दोहरे चेहरे क्यों सिखा वास्ते? ये केंद्र नूं भी जवाब देना पऊगा। तो जिहड़े प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं रोक रहे ने, किन्ना वड्डा कोरा झूठ! शर्म नहीं आती आम आदमी पार्टी नूं? एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन जिन्हों के अधीन वो अफसर है, जिन्हों का अफसर सिर्फ रिपोर्टिंग का काम होता है, जिहड़ा जेल सिकत्तर हो सकता है, वो सिर्फ जेल से उन्होंने बिहेवियर किहो जिहा रहा उसकी रिपोर्ट कर सकता है। दूजे प्रिजन्स ऑफिसर प्रिजन से कई बार अड अड चीज़ें दसते हैं, वो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन को। फैसला चेयरमैन का होता है, तो चेयरमैन सीधे केजरीवाल के थले आता है। तो चेयरमैन के कोल यह भी ताकत होंगी है कि भावें थले दे छे अफसर जो मर्जी कहन उन्हें ओवरऑल कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिन्हों की ना सेहत हैगी ना मानसिक अवस्था हैगी, बार बार गुहार सिख कौम ला रहा है कि कल एक साइन के नो अपने घर जा सकते, एक बंदी सिख सा रिहा हो सकता है, लेकिन ना साडा सिख मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने आप को सिख हितैषी कहन वाला, तो ना ही एक मौका मंगन वाला वो केजरीवाल। ये सिखा के किन्ने एंटी ने, इस गल तो ही साबित होंदा है कि पहले प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की इन्हां दी रिहाई रोकते हैं, तो फिर लोगों के सामने आके झूठ भी मारते हैं। सो जिन्नी दिल्ली की पार्टियां ने, भावें कांग्रेस या जिन्होंने अकाल तख्त साहब से हमले किए, भावें आ केजरीवाल तो भगवंत मान जिहड़े साढ़े एक बंदी सिख नूं रिहा कर सकते लेकिन नहीं कर रहे, तो भावें उस सूबे की उस देश की भाजपा की सरकार जिहड़ा साढ़े बंदी सिखां दे कीते हुए वादा तो भी पिछे भज रही हैगी। ये सब पंजाब विरोधी सिख विरोधी ये केंद्र दिल्ली दी सरकारा हो गई है, ये पंजाब दी सगियां कदे नहीं ना सगियां ना हो सकदी। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।